मिस्टर चेयरमैन, ये नौशेरा में दरिया से एक बच्चे की, ये बच्चा इस ईवान से पूछ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? रियासत कहां है? हुकूमत कहां है? मिस्टर चेयरमैन, ये बलूचिस्तान की तस्वीर है, ये चार मासूम बच्चों की कीचर से लथपथ लाशें, वो निकाली जा रही है। इन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी, इनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरी होगी? क्यामत के रोज या इस ईवान से हुक्मरानों से ये बच्चे पूछेंगे जिनकी कीचर से लथपथ लाशें निकाली जा रही हैं। मिस्टर चेयरमैन, लोगों के मवेशी तबाह हो गए, गाय भैंस बकरियां भेड़, लोगों के रोजगार कारोबार, लोगों के घर, लोगों के खेत, लोगों के बाग, वो सब कुछ बह चुके हैं। रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। मिस्टर चेयरमैन, कम्युनिकेशन लिंकेज तबाह हो चुके हैं। मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा ताकि मेरे भाई भी बाकी इस पे बात करें, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, वजीर आजम साहब कहां है? कहां है वजीर आजम साहब? वजीर आजम साहब मुल्क के किस, क्या कराची के अंदर वजीर आजम गए? क्या बलूचिस्तान के अंदर गए? क्या किसी मुतासिर इलाकों के अंदर गए? क्या उनके लिए हुकूमती हेलीकॉप्टर, हुकूमती जहाज, हुकूमती मशीनरी प्रोवाइड की? वज़राए आला कहां है? कहां है वज़राए आला? अपनी वालों के अंदर बैठे हुए हैं। मिस्टर चेयरमैन, मैं पूछता हूं, फ्लड कंट्रोल फंड कहां है? बिलियंस ऑफ रुपीस फ्लड कंट्रोल फंड हर साल खर्च होता है, उसका ऑडिट होना चाहिए, वो कहां है? और मैं पूछता हूं, एनडीएमए कहां है? पीडीएमए कहां है? ये जो सफेद हाथी एनडीएमए की सूरत में और पीडीएमए की सूरत में, इनकी परफॉर्मेंस ऑडिट होनी चाहिए, इनकी बजट की ऑडिट होनी चाहिए। न वफाकी हुकूमत, न सूबाई हुकूमत, न एनडीएमए, न पीडीएमए, न जिली मशीनरी इस वक्त नजर नहीं आ रही। अवाम बेदस्तूपा है। और मैं अदलिया से पूछता हूं, अदलिया अशराफिया की अदलिया है, रातों को खुलती है और अशराफिया के लिए घंटों और दिनों में केस का फैसला करके इंसाफ फराहम करती है, लेकिन बेयारो मददगार फड़े खवातीन और बच्चे और गरीब इस अदलिया को नजर नहीं आते। मैं अदलिया से भी गिला करता हूं। और मैं आखिर में एक एक जुमले में मुतालिबा करता हूं। पहला मुतालिबा ये, हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है। अब हमें जागना होगा और प्लानिंग करनी होगी, किस तरह अपनी आबादियों को, अपने शहरों को, अपनी बस्तियों को सैलाब से बचाएं, इसलिए कि अब ये एनवायरमेंटल जो डिजास्टर है ये अब होगा। दूसरा, बजट को डाइवर्ट कर लें, डाइवर्ट कर लें सूबों का बजट और वफाक का बजट उन गरीबों के लिए। और तीसरे और आखिरी मेरे मुतालिबा ये है कि तलाफी दे, जिनके मवेशी बह गए, जिनके बाग और खेत बह गए, जिनकी दुकानें तबाह हो गई, जिनका रोजगार और कारोबार तबाह हो गए, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर उनकी नुकसानात की तलाफी करे। खावो जानी नुकसानात है, खावो इमलाक के नुकसानात है, खावो रोजगार और कारोबार के नुकसानात है, उनकी तलाफी करें। रियासत होती है मां जैसी, रियासत की यह जिम्मेदारी है कि इन गरीबों की, इन मजलूमों की मदद करे। हमारी तरफ वो देख रहे हैं, इसलिए कंपेंसेशन दे, माली कंपेंसेशन दे, जानी अतलाफ की भी और कारोबार और माल के